आशिका का फर्स्ट सॉन्ग वीडियो सॉन्ग कहेंगे और डेब्यू कर गई है द म्यूजिक एल्बम, राम जी साथ में है, फर्स्ट सॉन्ग है आशिका का ये। यस, आशिका का फर्स्ट सॉन्ग है और हम काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे कि हम गाना करेंगे साथ में, सो बीच में कोविड आ गया, देन शी वॉज नॉट वेल, देन फाइनली आज वो दिन आ गया कि गाना लॉन्च हो गया और ट्रेंड कर रहा है गाना यूट्यूब पे एंड बहुत सबसे प्यार मिल रहा है एंड बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को, एवरीबडी इज़ कनेक्टिंग टू हर और ऑलरेडी लोगों ने शॉर्ट फॉर्म वीडियोस रील्स सारे बनाना शुरू कर दिए एंड सारे फैंस आई थिंक पागल हो गए एंड पीपल आर रियली लविंग द वे शी इज़ परफॉर्म्ड इन द सॉन्ग एंड विशाल आशिका पूरा भी दे ऑल लुकिंग यू नो फैब एंड विशाल के लिए भी ये अलग रोल था पहले तो ही इज़ नेवर प्लेड नेगेटिव एंड गॉट यू नो बैक टू ही गेट्स बैक टू आशिका इन दी एंड, तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है सब ने एंड आई थिंक आई एम रियली हैप्पी, गाना भी सबको बहुत पसंद आ रहा है। आशिका सबको रुला दिया मतलब? रुलाया तो है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं, काफ़ी तारीफ हो रही है एंड यस मैनी पीपल आर इमोशनल। इनफैक्ट जब मैंने पहली बार गाना देखा पाजी के पास तब मेरे को खुद को गूज़बम्स आ गए थे, लाइक ओ माई गॉड, तो मैं वेट करती कब रिलीज होगा, सबको गूज़बम्स आएंगे, आई होप आई हो। ये तीन तिगाड़ा लेकिन काम किसी ने नहीं बिगाड़ा ना यार? नहीं किसी ने नहीं बिगाड़ा काम नहीं। विशाल कैसा रहा सॉन्ग एक्सपीरियंस, कहाँ का शूट हुआ, लोकेशंस थोड़ा शेयर करें? सो हमने पाजी की फेवरेट लोकेशन पे शूट किया दुबई में एंड हमें बहुत मज़ा आया और आशिका के साथ मेरा पहला सॉन्ग था, पूर्वी के साथ मेरा पहला सॉन्ग था और मुझे हमेशा से सॉन्ग करना था ये लोग के साथ और पाजी के साथ, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं जितना सॉन्ग करते जाता हूँ ना पाजी के साथ, मेरे को लगता है कि यार थोड़ा और मतलब पाजी वैसी मेरी ट्यूनिंग बैठ गई है कि यार पाजी के साथ और करना है। आई लव वर्किंग विद विशाल, वी हैव डन सो मेनी सॉन्ग्स टुगेदर, रुला के गया इश्क तेरा, तू भी रोएगा, लॉट लिस्ट इज नेवर एंडिंग यू नो। तो स्टार्टअप है आशिका के लिए? हाँ एक्चुअली हमने बात की थी एंड मेरा पहला सॉन्ग एंड आई गेस पाजी ने उसके बाद भी बात की थी कि कब फ्री हो, वी विल डू इट अगेन एंड बस वेटिंग फॉर दैट, बस ये रिलीज होना था, आई एम वेटिंग। और भी क्या, मुझे बहुत अच्छा लगा इन लोगों के साथ में वर्क करके, फर्स्ट मेरा एल्बम था इनके भी साथ, तीनों के साथ में पहले ही हुआ था, सो बहुत मज़ा आया और फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छे से हुई मेरी। किस्सा बताओ, कुछ कहानी बताओ, मतलब कुछ प्रैंक किसने किया कभी, कितनी मस्ती की, क्या की? प्रैंक नहीं किया लेकिन ये दोनों अपने में ज़्यादा रहते थे, टॉम एंड जेरी है ना, फाइट करते रहते हैं लोग, सो बस इतना ही मजा आया, मैं बाकी थोड़ी सी लेजी लेजी थी। रियल कॉमेडी तो भाई पूर्वी करती थी हमारे रूम में। अरे हमको इतना हंसाई हो लड़की ने, वो हमारे तो खैर प्राइवेट जोक्स है वो, बट लड़की ने हमको बहुत हंसाई है, लाइक बहुत टोटली। यस अभी तो सॉन्ग ट्रेंड कर रहा है और कितना मिलियंस क्रॉस से, तीन दिन से, प्लीज प्लीज सेट करें क्लिप, प्लीज। मैंने कहा कि अभी से ट्रेंडिंग इतने दिन से कर रहा है, आई होप कि ये और 5-6-7-8 दिन जितने भी, आई गेस आफ्टर तू भी रोएगा, आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, 3 दिन तक कोई सॉन्ग ट्रेंड कर रहा है और बस यार लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, दे हैव बीन लविंग अस एंड आवर सॉन्ग सो मच, द कमेंट्स आर सो पॉजिटिव, द लाइक्स और जितने व्यूज़ आ रहे हैं, लविंग एट। और मैंने पहली बार ऐसा, जैसे पाजी ने बोला, आई एम प्लेइंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स कैरेक्टर और कुछ नेगेटिव प्ले किया है मैंने, सो एंड पीपल आर लाइकिंग दैट टू एंड रियली ग्रेटफुल। तीन दिन से ट्रेंडिंग है तो आशिका डेफिनेटली राम जी लकी, एक्चुअली वेरी वेरी लकी, वेरी थैंकफुल एंड बस इनफ थैंकफुल, यार मैं क्या बोलूँ। करते जाएंगे एंड आई रियली लव आशिका, शी इज एन फैबुलस एक्ट्रेस ऑल्सो, अगर आप इनकी एक्टिंग देखेंगे तो बहुत अच्छा एक्ट करते हैं, तो हम जल्दी शायद ऑल वी कम टुगेदर एंड विद हर ऑल्सो यू नो आई विल अगर मैं वापस चला गया चीट करने दो है कि नहीं पाजी, आज का टीवी की तरफ कब और रुक कर? टीवी की तरफ बहुत जल्द आएगा, बस वर्किंग फॉर इट एंड बस वेरी सून एंड आई विल गिव यू, आई विल रिवील।